आज तारीख थी 24 जून 2023 और अपने उत्तराखंड में 3 दिन का हाई अलर्ट था। आने वाले 3-4 दिन मौसम खराब रहने वाला था, जिस कारण किसी लंबे सफर में जा पाना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं था। एक्चुअल में मेरा मन किसी लंबे ट्रैक में जाने का था, फिर से कुछ एडवेंचरस करने का था, पर मौसम खराब होने के बाद ऐसा कुछ कर पाना बड़ा ही रिस्की था। अभी के टाइम किसी ट्रैक में जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा ट्रैक ना सही पर कैंपिंग तो की जा सकती है। तो मौसम की परवाह ना करते हुए मैंने कैंपिंग का जरूरी सामान फटाफट पैक किया और घर से निकल पड़ा। कैंपिंग की कोई प्रॉपर लोकेशन माइंड में नहीं थी, पर सोचा जहां भी कोई जगह दिखाई दी वहीं कैंप लगा लूंगा। आज की वीडियो का मेन पर्पस कैंपिंग दिखाना नहीं, बल्कि आपको अपने अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताना था। और अगर मौसम खराब ना होता तो शायद मैं अब तक ट्रैक शुरू कर चुका होता। तो ये है अपने गांव से ऊपर की रोड, और ये रोड जाती है डीडीहाट। कट्टा गिर गया। तो ये है भाई हमारी गांव की रोड के हाल। हमारे गांव तक तो पक्की रोड है, लेकिन जो वहां से बाकी गांव को कनेक्ट होती है, हमारा गांव कहीं नीचे उधर, वहां से आए हम लोग अभी, और यहां से ये रोड डीडीहाट जाती है। कंडीशन देखो भाई। घर से सामान उठा के निकल तो गए थे, पर पता नहीं था कि जाना किधर है। कैंपिंग लोकेशन की तलाश में हम आगे बढ़े ही थे कि दूर कहीं मुझे हरे भरे खेत दिखाई दिए। लोकेशन पे जाके देखा और जगह हमको बहुत शानदार लगी। आसपास हरी भरी घास थी और सामने का नजारा एकदम क्लियर था। पिछली रात की बारिश के कारण लकड़ियां गीली थी, तो आग जला पाना पॉसिबल नहीं था, बाकी सब सेट था। तो फिलहाल के लिए एक ये जगह पसंद आई है। इस रोड से हम ऐसे जा रहे थे, तो यहाँ से मेरी नजर पड़ी रोड से इस जगह पे। मैंने देखा भाई एकदम हरा भरा एरिया है, तो देखने आ गए यहाँ पे कैसा स्पॉट है। अगर सही स्पॉट रहते हैं तो यहीं कैंपिंग रहेगी, और अपना गांव यहाँ से नीचे कहीं है भाई वहाँ, तो वहाँ से आए हम लोग। अब यहाँ से रोड आती है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे करके भाई, और यहाँ से मेरी नज़र पड़ी इस जगह पे। तो फिलहाल के लिए जो कैंपिंग स्पॉट हम लोगों को मिले हैं, वो मुझे आज के हिसाब से परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि टाइम 4:30 हो चुके हैं, और अगर अभी से हम लोग लेट करते हैं तो मुझे लग रहा है मौसम ख़राब होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख है 24, और 24, 25, 26 तीन दिन उत्तराखंड में हाई अलर्ट बताया हुआ है भाई। ऑरेंज भी नहीं, येल्लो भी नहीं, रेड अलर्ट है। इस कारण से ये स्पॉट अभी के लिए परफेक्ट लग रहा है हम लोगों को, जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त। तो अभी आने वाले 3-4 दिन बाद हमारा प्लान पिंडारी ग्लेशियर जाने का है। यार आप लोग कमेंट्स करके बताना अगर आपके पास कोई अच्छी सी जगह है, कोई ग्लेशियर आपकी नज़र में है। जैसे यार अगर मैं बताऊँ ना, आज से लगभग 1 महीना पहले हम लोगों का प्लान पिंडारी जाने का बन रहा था, लेकिन पिंडारी के बदले हम लोग रालम ग्लेशियर गए। वो इस कारण गाइस कि रालम एकदम ऑफबीट ट्रैक था, ज्यादातर लोगों ने वहाँ की वीडियोस नहीं दिखाई हुई थी। हो सका तो पिंडारी ग्लेशियर या पिंडारी नहीं हो पाया तो शायद कफनिया सुंदर ढूंगा, दो और ग्लेशियर पड़ते हैं बागेश्वर जिले में। ये वीडियो के बाद नेक्स्ट ट्रैक कोई ग्लेशियर का रहेगा, हो सके तो पिंडारी वरना किसी और ग्लेशियर में, लेकिन रहेगा ग्लेशियर का ट्रैक। तो यहाँ पे हम लोगों ने चारों तरफ से ऐसे बना दिए नाली, ताकि अगर बारिश आती है तो इस पे ना आए, और बीच में त्रिपाल बिछा देंगे, डबल सेफ्टी हो जाएगी भाई। ये हम लोगों ने नाप के किया है यार, जितने हमारे टेंट का साइज है ये नाली भी ठीक उतनी है यार।
जल्दी हो गई यार। तो ये अपनी आज की कैंपिंग लोकेशन है, यहाँ पे अपना कैंप है। और अगर यहाँ से आसपास दिखाऊँ आपको, ये देखिए भाई, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये हमारे गांव का टॉप का पहाड़ है ये वाला पूरा। आपने मेरे चैनल में एक वीडियो देखी होगी सुंदरी नाग मंदिर की, वो कहीं यहाँ पड़ता है टॉप में। और यहाँ से रोड जाती है ऐसे, फिर यहाँ से नीचे कहीं हमारे घर को, वहाँ हमारा गांव है भाई नीचे। टाइम हो चुका है 6:30 और अभी यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे, अब यहाँ से पानी भरने जा रहे हैं। नीचे पे एक घर देखा था, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से पानी भर के आते हैं। और हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, मौसम बहुत शानदार हो रहा है यार। बैग नीचे ले चलेंगे, ये नीचे ले जाएंगे। बारिश आ रही है वहां से, देख इधर जो ये वाला एरिया है, ये है चौकोड़ी का एरिया जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। और अगर बेरीनाग की बात करूं, इधर चौकोड़ी, उधर बेरीनाग, और यहां पे बहुत तेज बारिश आ रही है यार, चौकोड़ी से ही आ रही है, चौकोड़ी के पीछे से। और इस साइड की बारिश अक्सर यहां आती है। अपना गांव वहां दिखाई पड़ रहा है, देखिए नीचे पे, उधर कहीं अपना गाँव है, इधर कहीं घाटी में थल, और यहां से आ रही है तेज वाली बारिश। तो देखते हैं भाई क्या रहते हैं। जहाँ तक है आग में तो खाना नहीं बन पाएगा। ये पता नहीं कैसे हुआ यार, ये मैं आज देख रहा हूँ भाई, टेंट फटा है यार, लग रहा है जला है हल्का सा। अब या तो इसमें आग आई होगी, और ये मेरे को ग्रीस टाइप का लग रहा है, जैसे गाड़ी का ग्रीस होता है ना, वो लग रहा है। तो ये ना हुआ होगी यार, क्योंकि ये आने के दिन दूसरी स्कूटी में रखा हुआ था, तो कुछ उसमें दिक्कत ना हो गई हो। लेकिन टेंट फटा है हल्का सा यार। अब देखते हैं, यहाँ से पानी नहीं आना चाहिए, स्टिकर लगा दिया जाएगा इसमें कुछ बहुत जल्दी। तो फिलहाल हम लोग टेंट के अंदर आ गए हैं, और आज जो चीज़ बनाने जा रहे हैं काफ़ी स्पेशल चीज़ रहने वाली है। चावल की रोटी सोची आज बनाने की, साथ में अचार और चाय। कितना हो गए, बस बस बस, काफ़ी काफ़ी काफ़ी, अरे बहुत है वो। पानी कम तो नहीं हुआ है, बनाते हैं शायद, मजा नहीं आता है भाई। हाँ ये इतना डाल के देख पहले, काफ़ी ये लग रहा है, रोटी बनाई है ये नहीं बना, मजा आ गया भाई। इसमें चले गया कीड़ा। हम कह रहे थे अगर कीड़ा चले गया तो जिसकी किस्मत में होगा भाई, और सच में चले गया यार। एक छोटा सा आया ऊपर से, क्योंकि लाइट खोली है, बाहर एकदम अंधेरे है, तो कीड़े काफी दब गया यार भाई, वो दब गया भाई, खो गया, दलदल में चले गया। ऐसे नहीं, ये है, ये आज की नजर से बचना, निकाल इसको। अरे यार शहीद हो गया बेचारा, ये देखिए यार। तो चावल का आटा तैयार है, और आज हम बना रहे हैं चावल की रोटी। और डालो। सेब कोई दिक्कत नहीं है, सेब कैसी भी हो बस खाने में बढ़िया होनी चाहिए। तो टाइम हो रहा है 11:30-12 बज रहे हैं। कुछ देर हम लोग बाहर ही बैठे रहे, और अभी जाके हम लोग
रात का खाना बना रहे हैं, चावल की रोटी। भाई टूट गई यार, चावल की रोटी टूट गई भाई, क्योंकि हम पे चम्मच अगर पलटाने के लिए कुछ होता तो अच्छी बनती। भाई खा के देखा, भले ही रोटी ऐसी बनी है लेकिन जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है यार, मजाक नहीं कर रहे भाई। रोटी नहीं बन पाई भले ही, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये भुजिया हो रही है भाई। पलटाने में हो क्या रहा है ना, ये दिखाते हैं यार, देखिए टूट जा रहे हैं भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बात, ये बात यार। फाइनली बनाते बनाते ये पहली रोटी है जो पूरी पलट पाई है हमसे, क्योंकि चम्मच थी हम पे, अगर करछी होती तो हो जाता, लेकिन फाइनल जो रोटी थी वो पूरी पलट गई यार। देखिए शेप को इग्नोर कीजिए गाइस, जिसकी शेप है उसको इग्नोर कीजिए, टेस्ट में बता रहा हूँ यार। मैं खुद कहता हूँ भाई, कैंपिंग में हर चीज़ जल्दीबाजी का बनता है, लेकिन बावजूद उसके इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो रहा था। अरे चखा हमने, ऑर्डर कर, बाकी बचा आपको दिखाऊँ। ये देखिए भाई, ऐसा बना है कुछ भुजिया टाइप का, लेकिन जिसका टेस्ट है वो एकदम चावल की रोटी का ही आ रहा है यार। मेन टेस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो चलता है कैंपिंग में, क्योंकि कैंपिंग में है तो इतना तो चलता है यार। खाना बन चुके, चावल की रोटी है और साथ में अचार, और घर से मट्ठा लेके आए थे भाई। देखिए इतनी छोटी है, खाएगा ना भाई, मतलब खतरनाक। मैं सोच रहा था मैं डालूं करके, पर याद नहीं रहा मेरे को, मैं तेल पे थी, मैं घर पे आया कल, घर पे लगाई, घर वाले ने कहीं से ला के, एक कटक मारेगा ना, मैं हो जाता एक कटक। खाना बना के खाना खाने तक लगभग एक बजने को आ गया और थका हारा अपना एक साथी कैंप में सोने चला गया। जहां अभी तक सारे लोग सो चुके थे, वहीं लेट सोने की आदत के चलते मैं तब तक बाहर बैठा रहा जब तक बारिश नहीं आ गई। बारिश आते ही मैं भी कैंप के भीतर गया और मुझे भी कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो देखा लगभग 8 बज गया था और बाहर लगातार बारिश हो रही थी। बारिश बढ़ते जा रही है भाई धीरे धीरे, अभी कम थी अब बढ़ गई है बारिश थोड़ी सी, और अगर अभी मौसम सही रहता तो यहाँ पे धूप आ चुकी होती भाई और गर्मी लगनी शुरू हो जाती यार। तो धूप नहीं थी जिस कारण से हम अभी भी आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं एक बंदा पानी भरने यहाँ से ऊपर के जंगलों में गया हुआ है। अगर आप लोग कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हो या फिर एडवेंचर के शौकीन हो, ऐसे ट्रैकिंग पर जाते हो, तो फिलहाल के लिए अपने सारे प्लान्स रोक दो, क्योंकि 3 दिन का रेड अलर्ट है। इसी कारण भाई मैंने कहा चलो एडवेंचर तो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं पे कैंप वैम्प लगा लेंगे, बारिश भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम पहले से इच्छा है भाई रुद्रनाथ जाने की, अभी तक कवर नहीं की वो जगह, लेकिन आप सोच रहे हैं रुद्रनाथ जाने हैं, जैसे ही भाई घर पहुंचते हैं सबसे पहले रुद्रनाथ ही जाने हैं यार। और मेरे से कुछ लोगों ने कहा भी कि आप केदारनाथ की वीडियोज़ बनाओ, लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ यार, एक बात है, पहले मेरा मन केदारनाथ जाने का था, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब सारे केदार हो जाएंगे, तुंगनाथ मैंने किया हुआ है, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, जब ये 3 हो जाएंगे उसके बाद ही मैं
केदारनाथ जाने का डिसाइड करूंगा यार। लेकिन अब तो मेरा मन भाई केदारनाथ जाने का नहीं करता, मैं रीजन बताता हूँ यार। वहाँ पे जितने भी सारे लोग जाते हैं वो घोड़ों पे जाते हैं भाई, पैदल पता नहीं लोग जाना नहीं चाहते। पैदल लोग कई सारे जाते हैं, लेकिन कुछ सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे से जानवरों पे चढ़ के जाते हैं ऊपर। यार मैं तो ये कहता हूँ ना, अगर आपको धाम में जाना है, किसी धाम में जाना है, या तो आप अपने पैरों पे चल के जाओ। अगर नहीं आप पे अपने पैरों पे चल के जाने की हिम्मत, तो आप लोग हेली कर लो, हेलीकॉप्टर से चले जाओ भाई, लेकिन जानवरों को कस मत दो यार। भाई अच्छे खासे लौंडे जो भाई फिट बंदे हैं, एकदम अच्छे खासे मतलब मोटे ताजे बंदे भाई, केदारनाथ के लिए घोड़ों में चढ़ के जा रहे थे यार। और उन घोड़ों को बहुत दिक्कत होती है भाई, कई सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी। रास्ते में परसों एक घोड़ा मर गया, एक वीडियो देख रहा था भाई, और उसको लात मार के रास्ते से हटाया जा रहा था भाई। यार जितना हम घोड़े के ऊपर सामान लाते हैं भाई, 100 किलो का आदमी घोड़े के ऊपर बैठ जा रहा है, 16 किलोमीटर घोड़े को चलने, भाई कितनी दिक्कत होती होंगी भाई। ये चीज़ नहीं सोचते यार लोग, पता नहीं क्या है भाई, उनको बस भोलेनाथ के दर्शन करने, केदारनाथ जाके अंदर उनको मंदिर के दर्शन करने, भाई क्या फायदा ऐसे जाने का यार। तो यही कारण है गाइज, जिस कारण केदारनाथ आने वाले टाइम में अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पे। हाँ मैं इतना बोल रहा हूँ, रुद्रनाथ का प्लान है, रुद्रनाथ जाएंगे, उसके बाद मध्य महेश्वर, ये दो केदार इसी साल करने। इसके अलावा अली बेदनी बुग्याल सोचा हुए है, और सतोपंत भाई एक विश लिस्ट में है मेरी वो ट्रैक। अगर ये सारे ट्रैक्स इस साल हो जाते हैं, वेल इनफ है यार। केदारनाथ जाने, भोले बाबा के दर्शन पाने, तो अगर तुम घोड़े पे जा रहे हो, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे शरीर को कष्ट ना हो, तुम बैठे बैठे आराम से केदारनाथ पहुंच जाओ, फिर भाई तुम कैसे ही भगवान के दर्शन कर लो ना भाई, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई। जानवरों को कष्ट देके तो कभी मत जाओ भाई। भोलेनाथ के दर पे जा रहे हो तो भोलेनाथ तुम्हारी इतनी परीक्षा तो लेंगे यार। मंजिल तक पहुंचने के दरमियान आपके रास्ते में कई सारी रुकावटें आती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो ना, वो पल सबसे लाजवाब होता है भाई। कब? अगर आप शारीरिक कष्ट करके पहुंचे होंगे। रास्ते में जितनी ज्यादा कठिनाई आएंगी, मंजिल उतनी ही खूबसूरत लगने लगती है भाई। यार ये वाली कैंपिंग थोड़ी सी अधूरी लगी, क्योंकि आग नहीं जला पाए थे कल रात, तो वो फील नहीं आया यार कैंप वाला, पता नहीं भाई। लेकिन मेन जो पर्पस था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या था कैंपिंग करने का। आप घरे जून दूध दूध फिर अचानक गर्मी में खराब है जाने, तो फिर दे बैठ जाल के हम पाउडर वाला लाया दूध और बैग खाना ला रही थी यही बना। तो यार अम्मा से कुछ सारी बातें हमने पूछी, तो इन्होंने हमको बताया कि आज से लगभग 10 साल पहले तक इन खेतों में फसल हुआ करती थी यार, धान और गेहूं होते थे, रोपाई लगती थी। आजकल रोपाई बहुत कम जगहों पे लगती है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदलता गया, लोग काम से दूर होते गए, पहाड़ों के जो ऐसे किसानों वाले काम होते थे इन चीज़ों से दूर होते गए और बाहर को जाते रहे। कुछ तो पलायन की देन है गाइज, इन खेतों में कभी लहलहाती फसल हुआ करती थी, और आज के टाइम पे देखिए बंजर खेत हैं सारे के सारे। कदू परिवार वाले यहाँ घूमे? हाँ अच्छा, 10-15 आप बिहार के नहीं गया मन के, तो पलायन उम्र ने बहुत, तो यहाँ का मन के बिहार जमरान, बिहार का मन के यहाँ उम्रहन। इधु बड़ी खेत हाँ, पूर्व मेल तक पहली बटी फसल है उन्नील ने यहाँ पूरी खेतन में। अच्छा पूर्व मेलू गुडुंग तक, अच्छा जलनी जात छन, ठीक घूम जा, सही बात, सही घूम जा। अपने ये पहाड़ पलायन का दर्द हमेशा से सहते आए हैं और आज भी सह रहे हैं। जिन घरों में कभी रौनक हुआ करती थी, जो मकान कभी बच्चों की हंसी से गूंजा करते थे, आज उन्हीं घरों में बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं। जिस खेत में हमने कैंपिंग की, आज से कुछ साल पहले तक वहां लोग
फसल उगाया करते थे, पर आज के समय में वो एक बंजर खेत के सिवा कुछ भी नहीं है। जहां पहले 20 लोग मिलकर एक साथ खेत में काम किया करते थे, वो 20 लोग अब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ये स्पॉट छोड़ने से पहले अम्मा जी के साथ कुछ बातें मैंने की और उनसे मुझे वो एक्सपीरियंस जानने को मिला जिसका ज्ञान उम्र बढ़ने के साथ ही हो पाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और आने वाले कुछ दिनों बाद आपको एक ऐसा ट्रैक देखने को मिलेगा जिसमें एक साथ दो ग्लेशियर्स कवर किए जाएंगे। अपना प्लान कफनी और पिंडारी ग्लेशियर्स को एक साथ कवर करने का है, और जैसा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने रालम ग्लेशियर की सीरीज़ को दिया, आपसे ऐसे ही सपोर्ट की उम्मीद आगे भी रहेगी यार। बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ किसी बेहतरीन और ख़तरनाक से ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।